देखिए मेरी साबूदाना की खिचड़ी का एक एक दाना अलग हो रहा है। ये खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लग रही है। ऐसे ही बिना चिपचिपी खिचड़ी बनाने के लिए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम पता करेंगे। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना। ये मैंने मोटा वाला साबूदाना लिया है। इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है, जिससे कि इसमें जो स्टार्च का पानी होता है वो निकल जाए, जिससे हमारी खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। साबूदाने को सिर्फ इतने पानी में भिगोना है जितना कि हल्का सा पानी ऊपर रहे और सिर्फ साबूदाना पूरा भीगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर नहीं करना है। अगर हमने ज़्यादा पानी में साबूदाना भिगाया तो हमारी खिचड़ी चिपचिपी बनती है। इस साबूदाने को हमें 5 से 7 घंटे ऐसे ढक के भिगा के रखना है। देखिए 5 से 7 घंटे बाद हमारा साबूदाना फूल के डबल हो गया है साइज में। साबूदाना भिगो के तैयार हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमें मूंगफली को थोड़ा सा भून लेना है। उसमें 2 चम्मच घी डाल के हमें 1 कटोरी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, इसे हम 1 कटोरी में निकाल लेते हैं। थोड़ी देर मूंगफली को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसे हम मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा और थोड़ा सा बारीक तरीके से पीस लेंगे और इस पेस्ट को हम 1 कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम उसी नॉनस्टिक पैन को गरम कर लेंगे और साबूदाना खिचड़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। नॉनस्टिकी पैन गरम हो चुका है, इसके अंदर अब हम 2 चम्मच घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। मुझे कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत ही पसंद है। उसके तुरंत बाद हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 उबले हुए कटे हुए आलू। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हम मध्यम आंच पर खिचड़ी पका रहे हैं। अब इसे हम करीबन 2 मिनट तक अच्छे से मिला लेते हैं। साबूदाना जो हमने सोक किया हुआ था अब वो हम मिला लेंगे। साबूदाना जिस टाइम आप डाल रहे हैं उसी टाइम बारीक दरदरा पिसी हुई मूंगफली पाउडर भी हमें डाल लेनी है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और साबूदाने को पका लेते हैं। हमारे गैस का फ्लेम इस समय मीडियम है। अब हम इसे 2 मिनट तक ढक के रख देंगे, जिससे कि हमारा साबूदाना अच्छे से पके। अब 2 मिनट के बाद हम ढक्कन निकाल लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और स्वादानुसार नमक। आप चाहे तो शक्कर मत डालिए, पर शक्कर से स्वाद बढ़ता है। इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो जाने तक हमें पकाना है और 8 मिनट तक ढक्कन रख के पका लेंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो समझ ले कि आपकी साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। आखिर में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और किसा हुआ नारियल। हमारी व्रत की साबूदाना खिचड़ी तैयार है। इसे हम दही के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी साबूदाने खिचड़ी की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।